falar e vou já dar um tchau dentro. परतख गुरु निस्तारे नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा सतगुर की जिसनो मत आवे सतगुर की
जी सुनो मत आवे सो सतगुर माहे सुमाना ए बानी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा समाना वेखो एक समाना पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समाना वेखो एक समाना इस पर पंच में साचे नाम की वड्याई मत को तरो गुमाना मत को तरो गुमाना सतगुर की जिसनो मत आवे सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे सुमाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा बेड़ा नर मनुखानु एक निदाना चोहो जुगा का खूनन बेड़ा नर मनुखानु एक निदाना जत संजम तीरथ उना जुगा का धर्म है कल में कीरत हार नामा कल में कीरत हार नामा जत संजम तीरथ उना जुगा का धर्म है कल में कीरत हार नामा कल में कीरत हार नामा सतगुर की जिसनो मत आवे
सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना एह बानी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा एह बानी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सोद देखो वेद पुराना सोद देखो वेद पुराना जुग जुग आपो अपना धर्म है सोद देखो वेद पुराना सोद देखो वेद पुराना गुरमुख जिन्ने ते आया हर हर जगते पूरे परवाना जगते पूरे परवाना जिन्नी ते आया हर हर जगते पूरे परवाना जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन आप माना चूके मन आप माना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन आप माना चूके मन आप माना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निदाना मानत पाहे निदाना सतगुर की जिसनो मत आवे सतगुर की सुनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना एह बानी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा एह बानी जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा तिस अंतर रवे हर नामा सतगुर की जिसनो मत आवे सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना एह बानी
जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा, तिस अंतर रवे हर नामा। एही बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा, तिस अंतर रवे हर नामा, तिस अंतर रवे हर नामा। सतगुर गुणी निदान है, सतगुर गुणी निदान है, गुण कर बख्श अवगुण यारे, गुण कर बख्श अवगुण यारे। सतगुर गुणी निदान है, सतगुर गुणी निदान है, सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे, सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे, गुण कर बख्श अवगुण यारे, गुण कर बख्श अवगुण यारे। सतगुर गुणी निदान है, सतगुर गुणी निदान है। सुख सागर गुरदेव है, सुख दे मेल ले दुखिया रे, सुख सागर गुरदेव है, सुख दे मेल ले दुखियारे। गुरपुरा निर्वैर है, निंदक दो भी बेमुखता रे, निर्वैर है, निंदक दोखी बेमुखता रे, गुण कर बख्श
विषय अवगुणियारे गुण कर बख्श अवगुणियारे सतगुर गुणी निदान है सतगुर गुणी निदान है गुण कर बख्श अवगुणियारे गुण कर बख्श अवगुणियारे सतगुर गुणी निदान है सतगुर गुणी निदान है जन्म मरण जम डरे उतारे जन्म मरण जम डरे उतारे गुरु पूरा निरपौ सदा जन्म मरण जम डरे उतारे जन्म मरण जम डरे उतारे सतगुर पुरख सुजान है वड्डे अजान मुगद निस्ता सतगुर पुरख सुजान है वड्डे अजान मुगद निस्तारे वड्डे अजान मुगद निस्तारे गुण कर बख्श अवगुण यारे गुण कर बख्श अवगुण यारे सतगुर गुणी निदान है सतगुर गुणी निदान है गुण कर बख्श अवगुण यारे गुण कर बख्श अवगुण यारे सतगुर गुणी निदान है सतगुर गुणी निदान है सतगुरु आगो जानिए बहां पकड़ अंधले उदारे सतगुरु आगो जानिए बहां पकड़ अंधले उदारे मान नि माने
साध बनहारे माननी माने सद बनहारे सतगुर गुणे निदान है सतगुर गुणे निदान है गुण कर बख्श अवगुण यारे गुण कर बख्श अवगुण यारे सतगुर गुणे निदान है सतगुर गुणे निदान है सतगुर गुणे निदान है गुण कर बख्श अवगुण यारे गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं जप जप जीवा सतगुर नावो जप जप जीवा सतगुर नावो गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ पूरन गुरुदेव कर कृपाला गुण तेरी सेव कर कृपाला गुण तेरी सेव ब्रह्म पूरन गुरुदेव कर कृपा लागू तेरी सेव कर कृपा लागू तेरी सेव चरण कमल हृदय उरतारी मन तन धन गुर प्राण अदारी 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 गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सतगुर नावो जप जप जीवा सतगुर नावो गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ
सफल जनन होवे परवान गुर पार ब्रह्म निकट कार जान गुर पार ब्रह्म निकट कार जान संत तूर आइए बड़ भागी गुर भेट ते हर स्यौ लिव लागी नानक गुर भेट ते हर स्यौ लिव लागी संत तूर पाइए बड़ भागी नानक गुर भेटत हर स्यौ लिव लागी नानक गुर भेटत हर स्यौ लिव लागी नानक गुर भेटत हर स्यौ लिव लागी नानक गुर भेटत हर स्यौ लिव लागे गुरु जी के दर्शन को बाद जावो गुरु जी के दर्शन को बाद जावो जप जप जीवा सतगुर नावो जप जप जीवा सतगुर नावो गुरु जी के दर्शन को बल जावो गुरु जी के दर्शन को बल जावो गुरु जी के दर्शन को बल जावो जप जप जीवा सतगुर नाम गुरु फिर सत्संग जियो आप जीवन भागी जीव हो वड्या भागा वाले हो जिहड़े कि अज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े दिनों मुखरा करके गुरु की गोद विच बैठ करके अपनियां जीवन दियां कड़चनां लेखे विच ला रहे हो सो आओ दास दे जथे पासों आप सब संगतां नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां आप सब नूं लख लख वधाई होवे जी सो होइयां पुन्नां तों खिमां दे जाचक हाँ जी सो अगला प्रोग्राम स्टेज तो सरवण करो फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पावन गोद विच बैठी सारी ही नानक नाम लेवा संगत नू बेनती है कि दसम पिता दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ये सन भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी जो कि इस गुरु घर विखे हजूरी रागी की सेवा निभा रहे ने बड़ी ही सुरीली आवाज़ दे विच इन्होंने इलाही बाणी नाल तुहानू तकरीबन 40-45 मिनट तक आप जी नू कीर्तन सरवण कराया है जिस तरह के तुसी जानते हो कि बाणी का फरमान है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नू समर्पित आए दा दीवान आप जी सारयां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपना कीमती समा कढ़ के तुसी अपने गुरु घर विखे हाजरियां भर रहे हो सब तो पहले आप जी नू
धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब दी अते धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे गुरता गद्दी दिवस दी अते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे संपूर्णता दिवस दी लख लख वधाई होवे। हुण साडे विच मैं आप जी दा ज़्यादा समा ना लेंदे होए साडे विच डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे महान कीर्तनीय भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी चवाला आप जी दे दर्शनां लई पहुँच चुके ने। ये तकरीबन 9:15 तक आप जी नूं इलाही बाणी नाल जोड़नगे ते नाल ही कथा विचार भी करनगे। नाल दे नाल तुहानूं दस दईए कि इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड एक बाणी चैनल जिहड़ा फेसबुक ते है वो लाइव चल रहा है ते तकरीबन 8 नाल चैनल नंबर 115 ते ऑल डिस्ट्रिक्ट J&K जिन्हें भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्थे ये लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट होएगा। आप जी सारी संगतां नूं बेनती है जो भी आप जी दे सगे संबंधी इस नगर तो दूर ने या देश विदेश च ने तो वो अपने गुरु घर नूं लाइव फेसबुक ते वर्ल्ड वाइड देख सकते ने ते जेड़े साड़ी इन्हां डिस्ट्रिक्टां तो दूर ने वो चैनल नंबर 115 ते 8 PM तो आनवर्ड लाइव अपना टेलीकास्ट साढ़े गुरु घर चू देख सकते हैं। इन बेनतियाँ प्रवान करो आओ भाई साहब जी सानू इलाही बाणी नाल जोड़ के गुरु दियाँ खुशियां प्राप्त करन दा ये सुभाग समा प्राप्त कराणगे। इनक बेनतियाँ प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you.
साहिब जी वाहे गुरु साहिब जी सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत तेरे कवन कवन गुण कह गा तेरे कवन कवन गुण कह गा साहेब गुनी निदान तुमरी महिमा वर्ण न सको ठाकुर ऊच भगवान तुमरी महिमा वर्ण नासा तू ठाकुर ऊच भगवान आनंद गुणी निदान गुरु गरीब बनवा गुरु गरीब बनवा गुरु गरीब आज गुरु गरीब ऐसे गुरु को फल बन जाइए 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 गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए अब मौका
भगत मोह पार पाप मुक्त मोह तार ऐसे गुरु को पर बोल जाइए ऐसे Garisa, kahan
कहो नानक संतन रस आई है कहो नानक ऐसे गुर को बल बल जाये ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाये ऐसे गुर को बल बल जाइए सतगुरु जी साजी निवाजी सत्संग जियो गुरु दे नाल प्रेम करन वाले सतगुरां दे नाल तुसी श्रद्धा रखने वाले गुरु के दरबार में पहुँच रहे हो। सतगुरु पातशाह जी रहमत करन बख्शिश करन बड़े बड़े सुंदर आप जी ने संबंध विषय गुरु अर्जन देव जी महाराज के गुरता गद्दी दिवस बड़ी कमाल की गल है। सोचन ते मजबूर कर दी है। धन गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज तीन भरा सन
ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲੋਭ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੜਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਖੈਰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਏ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ
देखते ने कितने ने पे देखते ने जोड़िया ने संगतां के जोड़िया के बैठे हुए उन्होंने कह लगे तुसी इत्थे कित्थे बैठे हुए हो तुहाडी इह थां नहीं है तुहाडी उह थां है। तो गुरु अर्जन देव जी कह लगे नहीं मैं जोड़िया दे विच ही ठीक हाँ मेरी यही थां बड़ी चंगी है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना ये धर्म की पौड़ी बड़ी औखी है बड़ा कठिन है। जिसले ये आवाज सुनी कि तुहानू पिता जी ने बुलाया जिसले आए पिता जी ने इसके योग समझिया उन्होंने गुरता गद्दी ते जिसले विराजमान किया उस वेले भी बाबा बुढ़ा जी ने यह रस्म निभाई। हमेशा ही बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक पातशाह जी के नाल रहे उतों चलते आए अज गुरता गद्दी ते विच बैठे गुरता गद्दी उन्होंने जिसले उन्होंने बिठाया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साहबा ने तो बाबा बुढ़ा जी ने उन्होंने इसी तरह जिसले ये जिम्मेवारी दिती ये सेवा सौंपी तो अगला जेड़ा जिसले गद्दी ते बैठते ने जिथे तुसी संपूर्णता दिवस दे नाल उथे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश दिहाड़ा भी मना रहे हो क्योंकि फिर अगला जेड़ा कदम सी गुरु अर्जन देव जी महाराज का बड़ा महान सी। इस करके गुरु अर्जन देव जी ने महान दुनिया के अंदर तुसी देखते हो क्योंकि उन्होंने गुण बड़े सन गुण तो अनेक सन पर गुरु अर्जन देव जी के गुण बहुत सन। दुनिया के अंदर तुसी अज भी कितने देखते हो गए शहीदां दे सरताज कहिंदे आ शहीद उस तू भी पहला कई होए हो रहे ने मगर सरताज कोई नहीं सी। एक गुरु धन गुरु गुरु अर्जन देव जी सन जिन्होंने शहीदां दा सरताज कहिंदे सन। तो गुरु साहब जी ने इन्नी कृपा की है सतगुरु पातशाह जी भी बख्शिश करते ने कि सतगुरु जी तुहाडे गुण इन्ने ने कवन 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 गुण कही है तुहाडा किहड़ा किहड़ा गुण बयान करिए तुहाडे गुण बड़े ने है मेरे मालिक कवन 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 गुण कही है अंत नहीं कछ पार है लाख 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 कई कोर है को है ऐसो विचार है लखां करोड़ां दे विच कोई गुरमुख एक किते मिलता है रब दे नाल जुड़िया या कोई एक मिलता है। साहब जी कवन 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 गुण कही है गुरु दा मैं केड़ा केड़ा गुण बयान करा गुणा दा खजाना है। तो सतगुरु पातशाह जी रहमत करन तुहाडे ते भी बड़ी बख्शिश की है तुहाडे ते बड़ी कृपा की है कि तुसी भी सारे गुरु के घर पहुँच रहे हो तो गुरु साहब जी के नाल जुड़ते हुए हो आओ जिहड़ा समा है इन्हां शब्दों के नाल जुड़न का यतन करांगे। गुरु साहब कृपा करन बख्शिश करन ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे एहो जिहा गुरु कित्थे मिलदा है। तो गुरु साहब कृपा करन बख्शिश करन रहमत करन आओ सारे जने शब्द अंदर जुड़ के अपनी रसना पवित्र करो। सारे जने करो कृपा जी रसना पवित्र करो। साहब जी ने फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जिस वेले महाराज नूं कृपा हुई जिस तरह जिम्मेवारी वध गई गद्दी ते बैठते गए गुरु नानक पातशाह जी ने शब्द का इंज कह सकते हैं कि शब्द पहला ही सी गुरु नानक पातशाह ने आके प्रकट किया गुरु नानक पातशाह ने शब्द का प्रचार किया
तो गुरु नानक पातशाह जी पोथी रखते रहे। वो गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी पोथी जिहड़ी सी बाणी गुरु अंगद देव जी ने दिती। गुरु अंगद देव जी ने जदों गुरु अमरदास जी ने दिती दो पोथियां हो गई, तो गुरु साहब जी इसी तरह पोथियां दा अगे प्रचार होंदा रहा। पर जिस वेले पंजवें पातशाह कोल पहुँचे तो पंजवें पातशाह ने जिहड़ियां पोथियां सन उन्हां नूं कहा कि भई असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की असीं संतापना करनी है। गुरु पातशाह जी ने बड़ी बख्शिश कृपा की, वो गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हों महाराज ने आप पहला प्रकाश किया, पूरे जगत के अंदर एक मिसाल कायम की है। तो आओ आवाज़ है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। एक बेनती आई है, असीं चाहते हैं कि साढ़े प्रोग्राम दे विच कोई बिगड़ ना पवे, बार कोई भी गुरु का प्यारा परेशान ना होवे। स्कूटर किसी दे लगे दे ने, राह पेंड विच लगे हुए ने, रस्ता ब्लॉक हो गया सारा, अगर कोई प्यारा देखे जिन्हां दा किसी दा कोई स्कूटर जा कोई मोटरसाइकिल लगे हो, उसनों एक साइड ते कर दें ता कि किसी नूं कोई परेशानी ना आवे। आओ सारे जने रसना पवित्र करिए, गज वज के अपनी जिथे असी तुसी आयो, जिथे कदमां नाल चल के आयो तुहाडे कदम लेखे विच लगणगे, जिथे रसना नाल गायन करोगे उत्थे रसना पवित्र होई। करो कृपा सारे जी। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, 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 सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब सिखन को हुक्म है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु प्यारियो, सतगुरु पातशाह ने बड़ी रहमत की है, एक गद्दी चलती रही, पर जिस वेले दसवें पातशाह ने, तुसी इतिहास के वाकफ हो, बाखूबी नाल जानते हो, दसवें पातशाह ने एक गुरता गद्दी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं नमन की, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं एक गद्दी दिती। उन्होंने कहा मेरा जिहड़ा सिख है अज तो बाद
केवल गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नेगा। गुरु ग्रंथ साहिब तों बाहर होर किसे नूं, ते गुरु ग्रंथ साहिब की है? शब्द गुरु, शब्द गुरु है। साहिब दी बाणी कहिंदी है ना, यह बाणी गुरु है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। पर असी कई बार बाणी नूं छड्ड दिंदे आ, असी कई बार गुरु कोलों भटक जाने, असी कई बार बेमुख हो जाने। आवाज आई सब सीखण को हुक्म है धरा, रोजाना तुसी पढ़ दिओ। जिहड़े आंदे ते ओह पढ़दे, जिहड़े आंदे नहीं ओह की पढ़दे। जिहड़े गुरु दरबार दे विच आउंदे ने ओह जरूर पढ़दे ने। सब सीखण को हुक्म है, हुक्म मनदे हो? कदे नजर मार के देखी असी हुक्म मनदे आ? हुक्म मनदे ही नहीं। ते साहिब कहिंदे ने हुक्म मनिए होवै परवान, ता खसमे का महल पाए सी। जिहड़े हुक्म ही नहीं मनिया, इस करके गुरु के प्यारियो असी इन्ने जी बैठे हुई है, ते शब्द पढ़िया जावे ते फिर बिचू आवाज ना आवे, फिर संगता नाल पढ़न ना, ते फिर तुसी दसो कमी की दी है। मैं ते कई बार कहना तुसी नजर मार के देखो, तुसी नजर मार के देखो कि जिस वेले अरदासिया सिंह अरदास करता है, अरदास दे विच बोलता है, जिसले आवाज आती है खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु, नजर मारे हो कदी, उसले आवाज ही नहीं आती, उसले बाकी नहीं बोलते। उसले भाई जी ने आपे ही बोलना है, ग्रंथी सिंह आपे ही बोलूगा, बाकियों की आवाज नहीं आती। गुरु दे कोल खड़े होके भी असं कई बार अनगिली कर जाने, गुरु कोल खड़े होके भी असं कई बार लापरवाही कर जाने। इस करके सानू भय होना चाहिए, साडे अंदर डर भी होना चाहिए, तो साडे अंदर प्यार भी होना चाहिए। जिन मन पाओ तिना मन पाओ, जिदे अंदर प्यार भी होवे उहदे अंदर डर भी होवे, फिर जाके गुरु दे नाल रिश्ता बनता है। एवें गल नहीं बनती, तो जिथे कितें इहो जिहा मौका मिले। आम हर कोई बंदा देखता है कि मैं मौका मिले तो सही लाइन में लग जाता, कोई चीज़ मिलती हो ना, एक बार कि डिपू से मिलती हो, राशन कार्ड से मिलती होदो बदी एवं कि कह दौ अज इतने कितने दान मिल रहा, वो खड़ा हो जाता लाइन मैं भी लाई चला। तो जे कि इतने बख्शिश आती हो, जे कि इतने मौका मिलया हो, फिर की करना चाहिए? उतें भी तो सानू गज बज के गाना चाहिए, नाल रसना पवित्र करनी चाहिए है। इस करके जे कितने यहोजा मौका मिले तो जरूर उसका लाभ लेना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए। असी नाल गा के सानू एक भरोसा हो जाए, सानू एक यकीन हो जाए कि मैं अपनी रसना दे नाल संगत विच बह के किरती करके आया, मैं संगत विच बह के गा के आया। तो गुरु के प्यारियो फिर यहोजा मौका घड़ी का नहीं पता, घड़ी का नहीं पता। इसे करके सिख नूं आवाज मिली है कि सिखा मौत नूं, मौत नूं नेड़े समझी। मैं उन्हें गल कर रहा सा कि जिसले पहला प्रकाश किया गया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जिसले एक ग्रंथ तैयार किया, जिसले एक ग्रंथ तैयार किया है, तो गुरु के प्यारे एक साल लगी, क्योंकि पोथियां सन। गुरु नानक जी ने भी तो बड़ी जगह पर जाके वो बाणी एकत्र की, भगतों की बाणी इकट्ठी की। इसी तरह वो पोथी अगे गुरु नानक साहब तो गुरु अंगद देव जी तक चला गई, गुरु अंगद देव जी ने भी एक पोथी तैयार की, दो हो गई। बाणी सारी इकट्ठी करते रहे, चलते रहे, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की है, ये छोटी जी गल नहीं। इन्नी मेहनत की साहब ने, एक साल लग गया कि केड़ा राग, केड़ा शब्द है उस राग का, उस राग दे विच उसनू नाल रखना, केड़ा राग है जेड़ा उसनू किथे रखना। तत्करा बन गया ना, तरतीब बन गई। जे किसी भुलेखा हो,
परचोल करके देख लगे। गुरु साहब कृपा करन, पहला आओ सारे जने रसना पवित्र करो, करो कृपा जी। आ गया भैया का।